अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जनाब हम बात करने वाले हैं फ़ालसे पर। फ़ालसा जो है वो गर्मियों का एक लाजवाब तोहफ़ा है और कसरत से गर्मियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में ब्लैक करंट कहते हैं। इसको हम मोस्टली कंफ्यूज कर देते हैं ब्लैक बेरीज़ के साथ, बट इट्स नॉट ब्लैक बेरी, इट्स ब्लैक करंट। और बहुत अच्छा जो है वो मुफीद है ये ब्लड प्रेशर के लिए भी, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी। इट कंटेन्स फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट। इट आल्सो क्योर्स एनीमिया और ये आर्थराइटिस को बहुत अच्छा ट्रीट करता है। और ये बिल्कुल जो है वो गिल्ट फ्री स्नैक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त, आप खाने से पहले, बाद में और किसी ड्रिंक की सूरत में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड करके भी आप बना सकते हैं। और ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसको लें तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि ड्यूरिंग मेडिसिन आप इसको ले सकते हैं कि नहीं, ताकि कोई रिस्क ना हो। इसके अलावा आप इसको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको फ्रेश इस्तेमाल करें। लेकिन ये फ्रोज़न भी अच्छा रहता है क्योंकि जल्दी से ये ख़राब हो सकता है। जब भी आप लाते हैं ज़्यादा अगर ले आएँ तो फ्रीज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या खा रहे हो? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी नहीं है, ये फालसा है। फालसा। ये पर्पल कलर का है। फेस है, फालसा। बोलो। किस कलर का है? पर्पल कलर है। मेरून कलर है, मेरून। किस कलर का है? फेस है फालसा। किस कलर का है? ये वाला येलो है। ये कच्चा है ना? ठंडा है? आइसक्रीम जैसा? आइसक्रीम जैसा है। आइस फालसा है ये? आइस फालसा। फ्रोजन फालसा। मजे का? नहीं, खराब है। नहीं लगते। राइट हैंड से खाते हैं? राइट हैंड से खाते हैं। हाँ, उसके बाद पप्पल निकल आया तो गंदे में अंडे तो अच्छी, तो वो जूस निकल आया। फिर जूस जूस है। तो राइट हैंड से खाना अब। मीठा है? ये मीठा है? किनने लगा था? ये खट्टा है? मजे कर। आप बॉल बना के खेल रहे हो? बॉल बना के खेल रहे। अब्दुल वाली खा सकता है? नहीं खा सकता। नहीं तो वो क्यों नहीं खा सकता? अभी ठंडा गुड़ ला सकता है। अब्दुल वाली फालसा खा सकता है? खा सकता है। बेटे नहीं खा सकता, उसके टीथ नहीं है। हाँ, उसके टीथ नहीं है अभी। अभी आप खाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज हम बना रहे हैं फालसे का शरबत। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। फालसे का मौसम चल रहा हो तो आपको ज़रूर जो है वो हफ्ते में एक या दो बार फालसे का शरबत पीना चाहिए। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल। आपने एक गिलास अगर बनाना हो तो तकरीबन जो है वो हाफ कप के करीब आपके पास फालसा मौजूद होना चाहिए। इसके साथ आप ले सकते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। और ये मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप काला नमक वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पिंक सॉल्ट। ये आपने पिंच एज पर योर टेस्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो उसके साथ आपको सिर्फ एक गिलास जो है वो पानी की ज़रूरत होगी। ये सिर्फ 1 सर्विंग के लिए है। मैं इस वक्त अब्दुल वदूद और अपने लिए बना रही हूँ।
तो मैं इसमें डाल देती हूँ फालसा, इसको आप धो के फ्रीज भी कर सकते हैं और देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने फ्रोज़न फालसा ही निकाला है, कुछ दिन पहले बनाया था, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे तो अब वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मैं इसमें पानी डाल दूँगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली और आपका काम हो जाता है। ये मैं पिंच जो है एक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। जब तक ये ग्राइंड हो रहा है यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इसमें नमक ना डालें, और जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसमें, अगर वो इसका शरबत पीना चाह रहे हैं तो सुक्राल वगैरह आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हाई शुगर के रिस्क से बचा जा सके। इसको आपने अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका पल्प जो है वो बीज में अच्छे से ग्राइंड हो जाए, बीजों से अलग हुआ हुआ पल्प जो है वो ग्राइंड हो जाए, ताकि जब हम इसको बाद में स्ट्रेन करें तो इजीली जो है वो जूस की अच्छी मिकदार हमें मिल सके। इसको जो है वो स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके ग्लास में डाल लेंगे। आप पानी इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि अगर ये थिक है तो ये पिया नहीं जाएगा, लेकिन मुझे इसका ये पिया जाएगा। ओके, के बारे में। और ये ग्लास में डालेंगे, ये ग्लास में वो डालेंगे। नहीं बेटे, ये नहीं पिया जाएगा, हमें थोड़ा सा पानी बढ़ाना होगा। जी तो पानी आ गया है, अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और हम इसको इजीली स्ट्रेन भी कर सकें और पी भी सकें। नाउ आई विल जस्ट लिटिल बिट ग्राइंड इट अगेन। मेरा ख्याल है हम इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। गिर जाओगे जी। अब ये स्ट्रेन हो रहा है, साथ साथ आपने इसको एक चम्मच हाथ में रखें। एक चम्मच इसको हाथ में और इसको यूं आपको करना पड़ेगा। यही चलो इनको। जी तो ये जो है वो अब तैयार है, इसको मैंने स्ट्रेन कर दिया। आप निस्बतन थोड़े से जो है ना ये खुले दानों वाली अगर इस्तेमाल करेंगे ना स्ट्रेनर, तो ये ज़्यादा जो है वो अच्छे से स्ट्रेन होगा, नहीं तो आपका ज़्यादातर जो फालसे का गूदा होगा वो वेस्ट में चला जाएगा। अब ये हमारा फालसे का शरबत तैयार है और अब्दुल वदूद ने फालसा बहुत इंजॉय करके खाया, ख़ास तौर पर जो है वो फ्रोज़न फालसा उसको ज़्यादा पसंद आया है। निस्बतन आम फालसा उसको जो है वो खट्टा लग रहा था, लेकिन वही फालसा जब मैंने फ्रीज़ करके उसको दिया है तो ठंडा बच्चे इंजॉय करते हैं और इसलिए उसको ज़्यादा मज़ा आया। अब देखते हैं कि उसको ये ठंडा ठंडा शरबत कैसा लगता है। वैसे मैंने इसमें आइस नहीं डाली, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा पानी था, क्योंकि मैं ज़्यादा ठंडा पानी ना तो बच्चों को देती हूँ ना मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखते हैं कि अब कैसा लगता है। ये तो मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ। यमी है, मीठा है, खट्टा तो नहीं, ज़्यादा मज़े का है। सारा ख़त्म कर लोगे? वेरी गुड। गिर ना जाए फनी काम करते करते। चलें जी, आप अब्दुल वदूद तो अपने कार्टून देख रहा है और साथ ही अपना जो है वो फालसे का शरबत इंजॉय कर रहा है। अब्दुल वदूद ये क्या है? फालसे का शरबत बोलो, जूस नहीं, फालसे का शरबत। का शरबत? फालसे का शरबत।
ओके जी, अपना ख्याल रखिए, और मज़ीद वीडियोस में बनाऊंगी, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अप्रिशिएट करें अगर कोई अच्छा काम है, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।